नमस्कार, एटी न्यूज इंडिया में स्वागत है आपका। मैं यशमी, बात करेंगे आज तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। भाभी ने 5 वर्षीय देवर की गला घोटकर की निर्मम हत्या, शव को बोरे में भरकर कूड़े के साथ कुएं में फेंका, आरोपी महिला गिरफ्तार। बिजली विभाग के कैशियर से दिन दहाड़े 2,81,000 की लूट, की गई फायरिंग, मुकदमा दर्ज। चोरी की गई बाइक नहीं मिली तो मालिक ने अपनी लकी बाइक लेने के लिए 50,000 रुपए का रखा इनाम। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे पखवाड़ा अभियान में पेंटिंग बना स्वच्छता के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। अंत्य संस्कार समिति द्वारा श्री वाष्णे मंदिर में श्री गणेश पूजा महोत्सव के 7 दिवसीय कार्यक्रम का हो रहा आयोजन। तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली व ट्रक आपस में भिड़े, बड़ा हादसा होने से टला। अब जानेंगे खबरों को विस्तार से। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके के एक गांव में मामूली गृह कलेश के चलते एक भाभी द्वारा अपने 5 वर्षीय देवर की गला दबाकर हत्या कर उसकी लाश को कुएं में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें, हरदुआगंज के गांव बरा नदी में गुरुवार यानी बीते दिन दिल दहलाने वाली घटना सामने आते ही पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। बताया गया है कि महिला ने 5 वर्षीय अपने देवर की कंबल से मुंह दबाकर हत्या कर दी और शव को बोरे में कूड़े के साथ रख कर गांव के बाहर कुएं में फेंकाई। बताया कि बोरे को बालक की बहन से ही उठवाया था। वहीं परिवार द्वारा बालक की खोज करने पर मामला सामने आया। आनन फानन में पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जहाँ उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वहीं पुलिस जाँच में जुट गयी है। क्या नाम है आपका? विशंबर। क्या हुआ था, किस तरह की, बच्चा कहाँ गया था, कैसे गायब हुआ? सर, मैं घर पे छोड़ के आया था बच्चे को, अच्छा भला छोड़ के आया था। मेरे को नहीं पता, मेरे को फ़ोन 11 बजे मिला कि बच्चा खो गया है। उसके आधे घंटे बाद खबर मिलती है कि बच्चा ख़त्म हो गया, कुएं में डाल दिया मार के बीवी ने, भाभी ने उसकी ने। बस तो कहाँ, कुएं में कैसे, बोरी में डाल दिया था? बोरी में, कूड़े की बोरी में डाला हुआ था, एक हाथ बाहर निकल रहा था। उससे दिखाई दिया? उसमें बच्चों ने देखा था, गाँव के महल्ले को, और कुछ लोगों ने कूड़ा फेंकती हुई देखी थी वो ठाकुर लोगों ने। भाभी कौन है उसकी? उसकी भाभी है, मेरे बेटा की बहू है। क्या नाम है? मरियम। तो उसने मार के डाल दिया उसको? जी। कैसे पता चला फिर आप लोगों को? उसका बच्चे का हाथ दिख रहा था कुएं में, वो कुएं में इसलिए देखा कि उसमें मतलब कूड़ा फेंकने गई थी वो, और लोगों ने देखा था कूड़ा फेंकते हुआ, इसलिए वो लोग देखने गए थे ढूंढने के लिए। क्या वजह हो सकती है? जी मेरे को नहीं पता साहब वजह, वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। तो क्या झगड़ा बड़ा भी करती थी पहले? नहीं, मेरे से कोई झगड़ा नहीं करती थी। क्या नाम है आपको? मुनेश। मुनेश, क्या हुआ, किस तरह की घटना हुई, कहाँ बच्चा खेल रहा था, क्या हुआ? बाबूजी जे तो नहीं थे भाई साहब, हमारे भाई साहब काम करने चले जाते हैं, तो इनकी लड़के की वो बोली कि हमारे बादल खो गए, तो हमने ढूंढ खगोर करी मोहल्ला में, गाँव में ढूंढ खगोर कर रहे थे, ढूंढते हमको नहीं मिला बच्चा, हम बागों की तरफ गए, वहाँ भी बच्चा नहीं मिला, तो किसी लोगों ने कहा कि इधर को कूड़ा फेंकने गई है ये, तो कूड़ा उस कुएं में डाल के आई है, कूड़ा डालते में देखा लोगों ने, फिर भाई सक पे हम गए, बाजरा वहीं था, बाजरा में पूरे बच्चे में घूमे नहीं मिला, फिर उस कुएं में जगह देखा तो बच्चे का एक हाथ आया, उस सक पे हमने बच्चों को देख लिया। क्या लग रहा है, किसने मार के फेंका? इसकी भाभी ने फेंका है। क्या नाम है उसका? मरियम। तो क्या इससे पहले भी एक बच्ची को? हाँ, मार दिया था। तो कैसे पता चला आपको? सर ऐसा पता चला था कि 2 मिनट पहले कह रही थी कि खाना खा रही है वो, बाकी 5 मिनट बाद आई, बाहर निकल के आएगी कि वो परी खत्म हो गई। तो उसका कोई पोस्टमार्टम हुआ था? नहीं सर, नहीं हुआ। तो क्या लग रहा, क्यों इस तरह की? सर ये तो कोई जानती है, सर हम तो मोहल्ला गए, सर को तो कोई जानती है, क्या हो क्या नहीं है, जिनके पिताजी हैं। सर क्या मामला है? आज दिनांक 21/9/23 को थाना हरतोगंज के गांव बर्रा नदी में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, एक बच्चे की बॉडी मिली है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचने पर चंद ही घंटों में अभियुक्ता को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान अभियुक्ता द्वारा स्वीकार किया गया गृह क्लेश के कारण उसने अपने 5 वर्षीय देवर की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थाना हरदोगंज में 509/23 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है, मौके पर शांति है। अलीगढ़ के मथुरा रोड स्थित गंगा धाम कॉलोनी में गुरुवार को दिन दहाड़े बिजली विभाग के कैशियर से पल्सर बाइक सवार बदमाश 281,00,000 रुपए लूट ले गए। पैसे लूटने के दौरान छीना छपटी में नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग भी की थी। बता दें, आगरा रोड साईं बिहार निवासी सोनू सिंह भुजपुरा ठाकुर वाली गली में स्थित कैश काउंटर पर तैनात हैं। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 3:30 बजे काउंटर से 281,200 रुपए लेकर सासी गेट खंड कार्यालय में जमा करने के लिए निकले थे।
कहा कि कुछ दूर जाते ही रास्ते में बाइक सवार तीन बदमाशों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और पीछे से आ रहे बदमाशों ने उनकी बाइक पर लात मारकर उन्हें गिराना चाहा, जिसके बाद कैशियर सोनू सिंह ने अपनी बाइक की रफ्तार तेज कर ली। तभी एक बदमाश ने गोली चला दी। बचने की हड़बड़ाहट में बाइक समेत बैग गिर गए। तभी बदमाश बैग छीन कर फरार हो गए। वही लूट की वारदात सड़क पे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। क्या नाम है सर आपका? सोनू जी, क्या घटना हुई है आपके साथ? बीच रास्ते में गंगा धाम दोनों घूम दिया, पारा के किनारे पर कुछ लोगों ने मुझे लात मारकर किराने की कोशिश की। बाइक पे थे तीनों ने, तीन जने थे, वो हेलमेट पहने हुए थे। तो मैं उनसे बचने के लिए साइड में भागा, गली में तो आगे गली बंद गई, बंद गली मेरे कारण में एक प्लॉट में से मोटरसाइकिल लेके निकालने की कोशिश कर रहा था। तो प्लॉट में पानी भरा था थोड़ा सा, वहाँ मेरी बाइक गिर गई, मैं वापस गया। जैसे ही मैं मेरी बाइक को निकाल कर लेके भागने की कोशिश कर रहा था, पीछे से एक बंदे ने फायर किया मेरे पे गोलीबारी, मगर वो बच गया। तो मैं सीधे वहाँ से भाग लिया। वो मेरा थैला लेके जब मैं पैसा रखा था कलेक्शन, वो वहाँ से भाग लिए। मैं उनके पीछे की तरफ भागा, मगर वो मोटरसाइकिल होते हुए साइड निकल गए। मैंने अपने लिए सूचना भी दी। वहाँ से जब लोग आए तो हम लोग वहाँ से गए मथुरापुर साइड पर देखने के लिए, मगर वहाँ कुछ नहीं मिला। तो हमने फिर सूचना दी। कितने लोग थे वो? वो तीन लोग थे। काहे पर थे वो? वो मोटरसाइकिल थी। घटना कौन सी जगह की है? गंगा धाम कॉलोनी पड़ती है मथुरापुर में। समय कितना था जिस टाइम? लगभग 3:30 बजे थे। टोटल केस कितना था आपके पास? 2,82,200। अच्छा, कहाँ से आप कहाँ जा रहे थे? मथुरा बिजली घर से शास्त्रीय रुक के जा रहे थे। सोनू ठाकुर यहाँ पर जो है कैश सेंटर में काम करते हैं राजेश, तो उनके साथ ही वो लगभग 4:45 बजे के आसपास अपना राजस्व जमा करके हिंदी कार्यालय में जमा करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उनके साथ कितना कैश था? और सोनू जी से पूछा है तो उन्होंने बताया लगभग 2,80,000 81,000 के आसपास कैश था। तो क्या बुलेट से आ रही थी किस से? जी वो बुलेट से आ रहे थे। तो वो पल्सर सवार कैसे थे? और वो जो अज्ञात जो जिन्होंने घटना की है वो किसी मोटरसाइकिल पर थे। अब वो मोटरसाइकिल क्लियर नहीं है कि पल्सर थी या मॉडिफाइड कोई बाइक थी कह नहीं सकते, लेकिन वो पल्सर जैसी लग रही। घटना कितने बजे की हुई है? हाँ, इस घटना में पहले उनने लात से बताया सोनू जी ने, पहले वो लात उसमें मारी हुई बाइक में गिराने का प्रयास किया, लेकिन इनके पास अपनी बुलेट गाड़ी थी जिसे एकदम उन्होंने काफ़ी तेज बढ़ाया और थोड़ी सी घटना से बचने के लिए थोड़ी दीवार वाले इलाके में ले जाने का प्रयास किया। मजदूर ये जहाँ से गुजर रहे थे तो लेकिन फिर भी उन्होंने आवाज़ भी लगाई हो रही है, लेकिन कोई नहीं सुना। लेकिन आगे रास्ता बंद था तो वहाँ इनकी गाड़ी फंस गई आगे जाते और फिर ये गाड़ी गिर गई फंसने के बाद। अलीगढ़ के सराय रहमान निवासी मोइन खान की घर के नीचे ही ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स की दुकान है। उन्होंने बताया कि उनकी बाइक पिछले 6 सितंबर को घर के बाहर से खड़ी पल्सर अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई। कहा कि चोरी करते हुए चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद बन्ना देवी थाने में जाकर तहरीर दी गई। पुलिस को दिखाया कि सीसीटीवी कैमरे में आरोपित बाइक को ले जाता दिख रहा है। उसके बाद पुलिस ने चोर को पकड़ने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके बाद भी पुलिस आरोपित को पकड़ने में नाकाम हो गई। वहीं मोइन पीड़ित ने बताया कि उसकी बाइक पल्सर 220 सीसी उसके लिए बहुत लगी है। कहा कि करीब 2,00,000 की बाइक 2017 में खरीदी गई थी। मोइन ने कहा कि उनकी लकी बाइक मिलने पर वो कोई भी कीमत देने को तैयार है, इसलिए उन्होंने 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। वहीं पुलिस ने भी आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम मोइन खान। उनमें किस तरह का समस्या आ रही है, क्या कहेंगे? 5 सितंबर को हमारे गली के बाहर गड्ढा खुद हुआ था पानी के लिए, पानी की समस्या को लेकर। तो रास्ता था नहीं बाइक अंदर ले जाने के लिए, तो मैंने अपनी बाइक अपनी दुकान के शटर के बाहर खड़ी कर दी लॉक करके। रात को 2 बजे करीब, 6 सितंबर का टाइम था, रात को 2:13 पे चोर आए मेरे कैमरे में कैद हुए और वो मेरी गाड़ी को ले गए। मेरी गाड़ी वो इतनी लकी है मेरे लिए, मैंने थाने में भी तहरीर दी, तहरीर के बाद तक अभी तक कोई खबर नहीं हुई है। पुलिस ने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, अभी तक नहीं मिली है। तो इसलिए मैंने अपनी बाइक के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा है। मेरी बाइक मेरे लिए बहुत लगी है, मिल जाएगी तो क्या देंगे आप? मैं उसे 50,000 रुपये दूंगा अगर जो भी मेरी बाइक को ले जाके यहाँ पे खड़ा कर जाए, अपना अकाउंट नंबर दे जाए, कुछ गूगल पे दे जाए या फोन पे दे जाए, पेटीएम दे जाए,
मैं मेरा वादा है मैं उसको बाइक के जो मैंने इनाम रखा है 50,000 का वो मैं उसको मुहैया कराऊंगा इंशाल्लाह। अलीगढ़ जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन अभी 17 तारीख को मनाया गया था। 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक पखवाड़ा अभियान चलाए जाने की भी बात की थी। इसमें स्वच्छता के अभियान को भी जोड़ा गया है ताकि इसी के तहत प्रत्येक गांव और ब्लॉक में स्वच्छता अभियान चलाया जा सके और इस अभियान में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पेंटिंग बनाई जा रही है। इस दौरान जिलाधिकारी ने भी गांधी जी की पेंटिंग बनाई और बताया कि शहर को स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट बनाने के लिए स्कूली छात्र छात्राएं पेंटिंग बना रहे हैं जिससे लोग जागरूक होंगे तो बीमारियां भी कम होंगी। कहा कि प्रिंटिंग बनाकर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं श्रमदान कर रहे हैं। जिलाधिकारी आवास की दीवार से शुरू हुआ अभियान 15 दिन चलाया जाएगा और इस अभियान के बारे में आगे डीएम ने क्या जानकारी दी सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस अभी 17 तारीख को मनाया गया है और 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक हम एक पखवाड़ा मना रहे हैं, सेवा पखवाड़ा। सेवा पखवाड़े में हमने स्वच्छता के अभियान को भी जोड़ा है और कोशिश ये है कि प्रत्येक गांव में स्वच्छता विषय कार्यक्रम चलें और प्रत्येक वार्ड में चलें। तो इसकी शुरुआत आज जिलाधिकारी आवास की इस बाउंड्री वॉल से कर रहे हैं जिसमें हम इसमें स्वच्छता विषयक संदेश प्लस जो हमारा महिलाओं का और बच्चियों का स्वास्थ्य से रिलेटेड चित्रकारी है वो करके हम स्वास्थ्य विभाग की स्कीम्स को और स्वच्छता की स्कीम्स को साथ में जोड़ रहे हैं। जितना स्वच्छता के मानदंड पर हमारा समाज खरा उतरेगा उतना हमको स्वास्थ्य में कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये हमें देखने को मिल रहा है जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब से दिमागी बुखार के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया है, दिमागी बुखार से होने वाली बीमारी के कारण होने वाली मृत्यु बहुत कम रह गई है। तो ये इस बात को सबको समझना पड़ेगा कि हमारे आसपास अगर मच्छर और इस प्रकार की गंदगी ना हो जिसमें जीवाणु विषाणु और मच्छर पनप पाएँ तो हम बीमारियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो विशेष रूप से संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। अब ये स्वच्छता केवल शौचालय तक सीमित नहीं रह गई, अब गाँव में और शहरों में ठोस प्रबंधन कचरे का और तरल प्रबंधन इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर ये पूरा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। ये बच्चे सब निःशुल्क यहाँ पर चित्रकारी कर रहे हैं और इनमें से ज़्यादातर बच्चियाँ हैं, ये विभिन्न स्कूलों की बच्चियाँ हैं, हमारे कॉलेज डिग्री कॉलेज और जो इंटर कॉलेजेज हैं उनकी बच्चियाँ हैं और इनको दो प्रकार का यहाँ पर इनसे सहयोग हमको मिल रहा है। एक तो इनके द्वारा श्रम किया जा रहा है, दूसरे इसके साथ हम इनकी एक पूरी पीढ़ी को इस अभियान के साथ जोड़ रहे हैं बिना कुछ कहे। जो व्यक्ति स्वच्छता विषय कोई चित्रकारी कर रहा है तो वो उसका संदेश भी साथ साथ ग्रहण कर रहा है। तो एक पूरी की पूरी जनरेशन इसके माध्यम से न केवल ट्रेंड हो रही है बल्कि एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो यही इसका मैंने भी नहीं, मैंने तो बच्चों का केवल मनोबल बढ़ाने के लिए थोड़ा कोशिश की। मैं अच्छा चित्रकार नहीं हूँ लेकिन गांधी जी जिनका 2 अक्टूबर को हम समापन करेंगे जब जिस दिन इस कार्यक्रम का, तो उनकी आउटलाइन बनाने की कोशिश की थी। मुझे लगता है थोड़ा मैंने खराब कर दिया है लेकिन बच्चे उसको वापस ठीक कर देंगे। भारतीय संस्कार समिति द्वारा श्री वाष्णेय मंदिर में श्री गणेश पूजा महोत्सव के 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान श्री वाष्णेय मंदिर के महंत मनोज मिश्रा व श्री महेश ब्रह्मचारी से संयुक्त रूप से भगवान श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा का पूजन मंत्रों के उच्चारण के साथ विधि विधान से कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए गोल विधायक अनिल पाराशर व शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा और राधेश्याम गुप्ता स्क्रैप द्वारा भव्य आरती का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में आए भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हर्षोल्लास के साथ अपनी अपनी सहभागिता दी, साथ ही सभी ने कार्यक्रम को भव्य बनाकर सफल मनाया। मेरा नाम अनुज वासने अन्नू बीड़ी है, मैं यहाँ का महामंत्री हूँ। जय श्री गणेशाय नमः। जैसा कि कल 19 सितंबर से गणेश उत्सव श्री वासने मंदिर में शुरुआत हुई, इसका शुभारंभ हुआ जिसमें कि कल के अतिथि रहे थे। आज जो है विशाल महाआरती का आयोजन श्री वासने मंदिर में 501 थालियों से श्री गणेश जी महाराज की आरती होगी और कल का जो दिवस है वह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल विशाल भजन संध्या का आयोजन यहां पर होगा जिसमें कि टी सीरीज के मुख्य कलाकार पंडित राम अवतार शर्मा जी कल अलीगढ़ पधार रहे हैं।
जिसमें कि आज के जो हमारे अतिथि हैं अनमोल जी, गुप्ता पाइप वाले और प्रदीप मिल्कवार जी, अनिल पारासर जी गोल विधायक, विभिन्न आज हमारे अतिथि बने हुए हैं और जो हमारे मेन व्यवस्थापक श्री वासनी मंदिर के जो हमारे सेक्रेटरी हैं राधेश्याम गुप्ता स्क्रैप वाले, आज वह दीप प्रज्वलित करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़वाएंगे विधिवत रूप से। कल की जैसे कि मैंने आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अलीगढ़ के सभी गणेश प्रेमियों से कि कल की जो विशाल भजन संध्या है उसको देखने जरूर आए। वो किस प्रकार से कार्यक्रम रखा गया, आपका क्या कहना है स्पेशल? आज भगवान गणेश जी की स्थापना कल हुई थी, आज महाआरती का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में समाज के सभी लोग एकत्रित हुए हैं भगवान गणेश की आरती करने के लिए और ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया और सुचारू रूप से चल रहा है और हर साल होता है ये प्रोग्राम, तो सब आज भगवान के जो 8 दिन का प्रोग्राम होता है उसमें आज महाआरती का प्रोग्राम। आज के इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र क्या रहा? आज के आकर्षण का केंद्र में भजन संध्या और भगवान के झांकियां हैं जो अभी तक चल रही है, कार्यक्रम चल रहा है। मामला अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे का है जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार में ईंट से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली की ट्रक से टकरा कर जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के दौरान दोनों चालक ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी द्वारा दुर्घटना में शामिल दोनों वाहनों को हटवाया। बताया गया है कि इस बड़े हादसे में एक ट्रक चालक मामूली चोटिल हो गया है और एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। अब देश कुमार ड्राइवर, क्या हादसा हुआ यहाँ पर? मैं साहब गाड़ी लेके आ रहा था, ये ट्रैक्टर वाले ना रॉन्ग साइड जा रहे थे और मेरे बगल में रोडवेज थी, रोडवेज को बचाता हूँ तो रोडवेज पलट रही थी। तो ये इस हादसे में कोई घायल हुआ? नहीं, मेरी थोड़ी बहुत चोट है। हाँ, ट्रैक्टर में जो घायल हुए? नहीं, कोई भी नहीं है। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए 80 न्यूज़ इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।